तो वही रुक करेंगे देहरादून से एक बड़ी खबर की ओर। बेरोजगार संघ की मांगों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी देहरादून से, बेरोजगार संघ की मांगों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के जज के निगरानी में अब पेपर लीक मामले की जांच होगी। एसआईटी पटवारी पेपर लीक मामले की जांच करेगी। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। बेरोजगार संघ की मांगों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। बताते चले आपको कि हाईकोर्ट के जज के निगरानी में अब पेपर लीक मामले की जांच होगी। एसआईटी पटवारी पेपर लीक मामले की जांच करेगी हाईकोर्ट के जज के सामने। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अब हाईकोर्ट के जज के निगरानी में पेपर लीक मामले की जांच होगी, विशेष जानकारी दें। देखिए, पटवारी लीक मामला जब सामने आया उसके पहले कई भर्तियों में जांच हो चुकी थी। यूके ट्रिपल एससी पे बड़े सवाल खड़े हुए थे, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, कई दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। ऐसे में पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें जिस तरीके से गड़बड़ झाला सामने आया, तो ये एक बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन पे था। ऐसे में बेरोजगार संघ लगातार जिस तरीके से इसकी सीबीआई जांच की और बात कर रहा था, बड़े लेवल की जांच कराने की बात की जा रही थी। सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से परसों का जो आंदोलन था उसके बाद लगातार जो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, पटवारी पेपर परीक्षा जो लीक हुआ है उसमें अब एसआईटी जो जांच करेगी, और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से ये जांच सौंपी गई है एक स्पेशल टीम को, कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आए हैं पेपर लीक के, और ऐसे में कई तरह के जो सवाल है वो प्रशासनिक तंत्र पे खड़े हो रहे हैं, पेपर कराने वाले इन आयोगों पे खड़े हो रहे हैं। तो इसमें बड़ी जरूरत भी थी कि बड़े कहीं ना कहीं संस्थानों से। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है सरकार ने बेरोजगार संघ की मांगों पर। अब सरकार ने संज्ञान लिया है और अब हाईकोर्ट के जज के निगरानी में पेपर लीक मामले की जांच होगी। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।